जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यासर इकबाल, आप देख रहे हैं संगम न्यूज। खबर शामिल करते हैं लाहौर में अफजल रांझा नुमाइंदा सिटी एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से। चौधरी शहजाद करामत खटाना गुजर साहब चेयरमैन गुजर वीर इंटरनेशनल फोरम से खसूसी गुफ्तगू के दौरान जनाब चौधरी शहजाद करामत खटाना गुजर साहब ने कहा, एक इखलास महज रजा इलाही का हसूल, दो मोहब्बत, तीन इज्जत, चार तामुल बर्दाश्त, पाँच खिदमत और छः इत्तेहाद व तंजीम। इन असूलों के तहत हैं हमारा मकसद अपनी गुजर कौम के दरमियान बाहमी इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान, भाईचारा, हमहंगी को फ़रोग देना, एक दूसरे के काम आना, बाहसियत कौम अपने आप को मजबूत करना, बाहमी रवाबित को मजबूत करना, अपनी गुजर कौम के यंग टैलेंट को यानी बेहतरीन नौजवान दिमाग को प्रमोट करना, उनके लिए वसीला बनना, और ख़ास तौर पर जो हमारी कौम गुजर बैरून ममालिक में मुकीम है और जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गुजर कौम बसती है उनके दरमियान एक पल का किरदार अदा करना, ताकि हमारी पूरी कौम एक प्लेटफार्म पर एक मकसद के लिए यकजा हो। हमारा कोई गुजर भाई चाहे वो गिलगित बलूचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों में बसता हो और कांटा भी चुभे तो उसको उसके लिए गुजर कौम उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाएंगी और एक ही आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, ताकि हमारा कोई भी गुजर भाई अपने आप को अकेला महसूस ना करे, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि वो पूरी कौम गुजर कौम उसके पीछे खड़ी है, सिर्फ दावों से नहीं बल्कि अमलों से इंशाल्लाह उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों और औलिया कराम सूफिया कराम और उनके दिए हुए दर्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। अल्लाह ताला हमें हमारे नेक मकसद की तकमील पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए।